नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को मैं आपसे चर्चा के ज़रिए बताना चाह रहा हूं, वो मुद्दा बहुत गंभीर है। इस समय हम खड़े हुए हैं एक पेट्रोल पंप पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। कोई मोटरसाइकिल में, कोई स्कूटर पर, कोई कार पर, अलग अलग वाहनों में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। चाहे लोग बिजली का बिल भरें ना भरें, चाहे लोग बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरें ना भरें, चाहे लोग तीन समय तक खाना खाएं ना खाएं, लेकिन पेट्रोल और डीजल डलवाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके बिना गुजारा हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि लगातार बिजली के जो बिल हैं वो करनाल की, हरियाणा की जनता पर बढ़ते जा रहे हैं। लोग बिजली के बिल को अदा नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना ने लोगों की कमर अच्छे से तोड़ कर रख दी है। मेरे पास एक पोस्टर है, एक बार इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इस पर लिखा हुआ है, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था, मोदी जी की इसमें तस्वीर लगी थी, एक कमल का फूल लगा था और नीचे ये भी लिखा है कि भाजपा को वोट दें। और यही बोर्ड और बैनर देखकर जो देश की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी को ना केवल मौका दिया बल्कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाया। लोगों को उम्मीद थी कि किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल पर उन्हें राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन राहत तो क्या मिलनी थी, लगातार ये आफत बनकर लोगों के ऊपर टूट रहा है। मेरे पास एक और डाटा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय जो क्रूड ऑयल था वो $107 यानी कि $160 प्रति बैरल था। उस समय पेट्रोल के जो दाम थे ₹71.41 थे, डीजल के दाम ₹55.49 थे। उस समय पेट्रोल पर जो टैक्स था वो ₹9.20 प्रति लीटर था और डीजल पर जो टैक्स था वो ₹3.46 प्रति लीटर था। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो जो कच्चे तेल के दाम है लगभग $40 प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। डीजल के ऊपर प्रति लीटर जो टैक्स है वो लगभग ₹31.83 से ज़्यादा है और पेट्रोल पर यही टैक्स हो चुका है ₹32.98। एक बार इसे आराम से देख लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि आखिर क्यों इस तरह से लगातार जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 6 मई को जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी केवल बढ़ाई थी, उससे सरकार को 1.6 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा मिलने थे। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर लगातार जो एक्साइज है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम कच्चे तेल के रूप में लगातार घट रहे हैं, जनता को उसका सीधा लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये देख लीजिए, 1 जनवरी 2015 का मैं एक अखबार लेकर आया हूँ, अखबार का नाम है दैनिक भास्कर। ये हमारे पास कटिंग इसकी मौजूद थी क्योंकि मीडिया के लोग हैं, संभाल कर रखने पड़ती हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ₹2 प्रति लीटर बढ़ाई गई, पेट्रोल ₹6, डीजल ₹5 तक हो सकता था सस्ता, सरकार ने रोका। अक्सर ये बात सामने आती है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है इसे डीकंट्रोल कर दिया गया, सरकार इसमें कोई भी भागीदारी रखती नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लोगों की जेब पर कैंची क्यों चला दी जाती है। सवाल ये उठता है कि जिस जनता के पास आज की तारीख में बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, जिस जनता के पास आज की तारीख में स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं है, वो इतना महंगा पेट्रोल और डीजल डलवा रही है, तो आखिर क्यों? क्यों इसलिए? क्योंकि ये मजबूरी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बगैर गुजारा नहीं है। रोज़ाना 50 पैसे से ज़्यादा दाम बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, और आज तो कुछ ऐसा करिश्मा हुआ जो आज तक देश में कभी नहीं हुआ था। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है कि आज डीजल के जो दाम हैं दिल्ली के अंदर ₹79.88 हैं और पेट्रोल के दाम ₹79.76 है। यानी कि आज पहली बार 1947 से, जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल के दामों ने पेट्रोल के दामों को मात दे दी है। डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। पहले लोग डीजल की गाड़ियां इसलिए खरीदते थे कि डीजल की गाड़ी की एवरेज भी अच्छी है और कहीं ना कहीं जो डीजल है वो सस्ता भी होता है, पहले आधे आधे का फ़र्क होता था लगभग, लेकिन अब डीजल के दाम पेट्रोल के दाम से बहुत आगे निकल चुके हैं। सवाल है कि कच्चे तेल के जो दाम हैं लगातार घट रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। यहाँ पर एक बार मेरे पास एक और डाटा है, वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूँ।
कि रोजाना लगभग डीजल के जो दाम है 50 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम हालांकि कम धीरे बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम जिससे डीजल इंजन भी चलता है, डीजल गाड़ियां चलती हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता है, हर जो यानी कि ट्रांसपोर्ट का वाहन है वो डीजल से चलता है, ऐसे में डीजल के दाम रोज़ाना आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ये अपने आप में सवाल है। जबकि जो कच्चे तेल के दाम है जब वो 100 रुपये, 107 रुपये, 120 रुपये, 125 रुपये डॉलर प्रति बैरल हुआ करते थे, उस टाइम ये दुहाई दी जाती थी कि सरकार इस पर सब्सिडी देती है, अब तो सब्सिडी भी नहीं है, उसके बावजूद जो तेल के दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डीजल के दाम है पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, पिछले 18 दिनों में ही इन दामों में 10.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी ये नहीं पता कि ये बढ़ोतरी आगे जाकर कहाँ रुकेगी। 2011 की तुलना में अगर बात करें तो आज डीजल लगभग हम 30 रुपये लीटर महंगा खरीद रहे हैं, यानी 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी उस समय बात कही जाती थी कि बहुत बढ़ चुके पेट्रोल और डीजल के दाम, अब की बार मोदी सरकार और मोदी सरकार आने के बावजूद भी इन दामों में ब्रेक नहीं लग पाया। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आखिर देश के मीडिया में इस बात की चर्चा क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर ये मीडिया सरकार के साथ है, विपक्ष के साथ है या फिर जनता के साथ है। वहाँ पर सवाल ये भी है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर चुप है, लोग अब विरोध कर नहीं सकते क्योंकि पहले ही लॉकडाउन से यानी कि वो उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब आवाज़ उठाएगा तो उठाएगा कौन। शायद यही एक कारण हो सकता है कि लगातार तेल के और डीजल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं लेकिन इसके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हम इन दामों को डीकंट्रोल कर चुके हैं। सवाल ये है कि राहत कैसे मिल सकती है। राहत मिल सकती है अगर सरकार जो लगातार, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के टाइम पे भी सरकार ने लगातार दाम बढ़ाए थे पेट्रोल और डीजल के एक्साइज रेट के रूप में, जब डीजल के दाम धड़म से नीचे आए थे उस समय उन जो राहत है वो जनता को देने की बजाय सरकार ने अपनी पॉकेट में रख लिया, उसे अपनी जेब में डाल लिया और 13 रुपये के आसपास एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। 2 हफ्ते के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि संडे को छुट्टी होती है, छुट्टी में भी राहत नहीं मिली, छुट्टी के दिन भी, संडे के दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े लेकिन आप, हम, देश का मीडिया, विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी चुप रहे। यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिन लोगों के पास बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं है, स्कूल की फीस वो नहीं दे पा रहे, किराया तक नहीं दे पा रहे, जिन लोगों के पास 3 की जगह 2 टाइम खाने के लिए खाना है, उनके लिए ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं। कितनी यानी कि लगातार कच्चे तेल के दाम गिरते जा रहे हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में जो कच्चा तेल था $11 प्रति बैरल तक भी आ गया था लेकिन इसका लाभ किसी को भी नहीं मिला। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए हैं, उन लोगों से एक बार बात करते हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या समझते हैं। 77.49 रुपये के हिसाब से भाई साहब तेल डलवा रहे हैं। सर, लगातार जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 2014 में बीजेपी सरकार, ये देखिए मेरे पास एक इनका पोस्टर है, ये आपने भी देखे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब की बार मोदी सरकार, आपको लग रहा है कि राहत मिल पाई? कुछ नहीं मिली, राहत नहीं मिल पाई, कोई राहत नहीं मिल पाई, मौन रहकर जवाब दे रहे हैं। आखिर सत्ता के खिलाफ कोई बोले भी तो बोले कैसे, ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एक बार सरदार जी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं कि सर, पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि जो राहत मिलनी चाहिए थी आम जनता को मिल रही है, जो कच्चा तेल सस्ता हो रहा है उसकी राहत मिल पा रही है? नहीं मिल रही। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, लगातार पेट्रोल डीजल, बिजली का बिल तो लोग भर नहीं पा रहे, स्कूल के बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे लेकिन तेल तो डलवाना पड़ता है, मजबूरी है तो डलवानी पड़ेगा। क्या कुछ मांग करना चाहोगे अगर सरकार आपकी बात को सुने तो? जैसे कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं तो डीजल पेट्रोल की राहत मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये राहत मिल क्यों नहीं पा रही है। एक और दोस्त हैं, अगर इनसे बात हो पाई तो इनसे भी बात, हाँ ठीक है, बात नहीं करना चाहते, यानी कि कहीं ना कहीं जो फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ आम लोगों को पड़ता है, कहीं ना कहीं जो फ़र्क है वो मीडिया को पड़ता है, उन लोगों को पड़ता है जिनके पास यानी कि खाने पीने के जो साधन और संसाधन है बहुत ज़्यादा नहीं है। एक युवा साथी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, राहत आपको लगता नहीं कि कुछ मिलनी चाहिए?
मिलनी ज़रूर चाहिए, बट जैसे सरकार की तरफ से है हमें कुछ सरकार वो राहत मिल नहीं रही है। पेट्रोल जैसे लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, बच्चों को स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, पेट्रोल डलवाना तो मजबूरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये है कि सबको जैसे महामारी आई है तो ये है कि सरकार को अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ रहते हर फैमिली के लिए, चाहे मिडिल क्लास है चाहे लोअर क्लास है, सबके लिए देनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली सरकार को एक प्लान जो है इनोवेट करना चाहिए ताकि हर एक फैमिली को जो है कम से कम ये टाइम जो है उनका क्रॉस आउट हो जाए। आपको पता है 18 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। तो डेली तेल डलवाना पड़ता है? जी जाना ही पड़ता है, हर 2-4 दिन में बीच में आई जाए, 2-4 दिन में हर बार तेल डलवाना पड़ता है। अब सवाल है कि ये जो लोग एक्टिवा मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, कई बार रैलियों में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है, तब 100-200 रुपए का तेल गाड़ियों में डलवा दिया जाता है, इतने में ही हम लोग खुश हो जाते हैं कि उस नेता ने मेरी गाड़ी में 200-300 रुपए का तेल डलवा दिया और मेरे लिए बहुत है। लेकिन वो 200-300 का तेल आपको 5 साल में कितना महंगा पड़ता है, इस बात का जवाब आपको ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो आखिर जनता के ऊपर क्यों पड़ते जा रहे हैं? एक और सर है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, सर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, राहत नहीं मिल पा रही, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पे तो कम से कम सरकार को साथ देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए सरकार ने साथ, कोरोना से बीमारी है, पहले परेशान हो रही है जनता जी। लेकिन तेल के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये पोस्टर आपने देखा होगा चुनावों में 2014 में, ये देख के कुछ लग रहा था आपको भी राहत मिलेगी उस समय? उस टाइम पर तो सोचा था तभी तो वोट दिया था, मिली राहत? कोई राहत नहीं। ये देख लीजिए पोस्टर एक बार, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, 2014 में ये नारा था लेकिन 2019 में नहीं था। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर सरकार आपकी बात को सुने तो क्या कहना चाहेंगे, आप खुश हैं उनसे या नाराज हैं? सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आम जनता के बारे में सोचो, पहले ही जनता परेशान है बीमारी से और महंगाई की बीमार से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस तरह लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं, स्कूल के बच्चों की फीस है, वो तो लोग भर नहीं पा रहे, पेट्रोल डलवाना तो मजबूरी है। हाँ ये तो मजबूरी है, तो इसको थोड़ा इसकी कीमतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, आज तक सबसे हाईएस्ट रेट पर जा रहे हैं और लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान ज़रूर कर रहे हैं। वहीं सवाल ये है कि पेट्रोल पंप पर कभी मंदी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि गाड़ियां लोगों ने चलानी है, चाहे कम चलाएं चाहे ज़्यादा चलाएं, चलानी ज़रूर है। लेकिन सवाल अपनी जगह ये ज़रूर खड़ा हुआ है कि आखिर जो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर कितना पड़ता है। ये एक और 3-व्हीलर चलाते हैं, इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सवारी को भी, यानी कि प्रति सवारी इनका भी रेट बढ़ाना जायज़ हो जाता है। भैया क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। डीजल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, अंदाज़ा है आपको? 10 दिन बाद बढ़ गया जी, 7 रुपये ऊपर हो गए, 10 रुपये 49 पैसे बढ़ गया 18 दिन में, पता है आपको? हाँ पता है जी। तो अब जब आप डीजल डलवाते हो तो आपको भी महंगाई तेल मिलता है, तो आप फिर सवारी से ज़्यादा पैसे लेते हो या क्या करते हो? लेते हैं जी सवारी से पैसा, सवारी रोड़ा करती है जी। अब बोलते हैं क्या कहते हो आप? मगर जी 2 सवारी बिठानी और सवारी से डबल किराया भी लेना पड़ रहा है, सवारी बोलती है किराया तो हम 10 रुपये ही देंगे, इसलिए हमने बोलते हैं जी लेना पड़ेगा 10 रुपये 20 रुपये किराया। तो लॉकडाउन में अगर डीजल सस्ता हो तो क्या सस्ता दे सकते हो आप लोगों को, प्रति सवारी कम कर सकते हो? हाँ कर देंगे जी, जो डीजल सस्ता हो तो। देखिए जो सीधा सीधा फर्क है वो आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि इन्हें अगर तेल महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको भी प्रति सवारी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर अब 2 चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, पहली कि सरकार इस पर चुप क्यों है, दूसरी कि मीडिया इस पर खामोश क्यों है। इन दोनों ही सवालों का जवाब आप ही को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम है आपको चेताना, आपको जगाना, आपको बताना, वो हमने जगाया भी, चेताया भी और बताया भी। लेकिन सवाल अपनी जगह एक और है कि आखिर विपक्ष की जो मौन स्थिति है वो किस तरफ जा रही है। राहुल गांधी को ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, जब भी मोदी जी पर कोई टिप्पणी करनी होती है तो 1 मिनट लगता है, चीन का कोई विवाद करना होता है तो 1 मिनट लगता है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में होता है। लेकिन जो पेट्रोल डीजल के दाम है इसके ऊपर ना तो कोई ट्वीट आता है, ना पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई चर्चा होती है। पहले आंदोलन होते थे, लोग बैनर लेकर सड़कों पे उतर जाते थे, मेरे पास बीजेपी के कुछ लीडर्स के नंगे बदन के कुछ फोटोज़ भी हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता, उसमें हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज वो भी शामिल हैं, काफ़ी जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन वो कपड़े तब उन्होंने उतारे थे और आज आपके उतर रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर भी करें,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर जो ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या हो सकता है, क्या सरकार को जितनी भी कमाई करनी है वो पूरी की पूरी आपसे और हमसे ही करनी है या इन थ्री व्हीलर वालों से करनी है, उन ट्रक वालों से करनी है जिसमें माल लोड होकर आता है, काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है। ये मत सोचिए कि सिर्फ डीजल महंगा मिल रहा है, ये सोचिए कि डीजल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत महंगी होती जा रही हैं। ये भी सोचिए कि जो लगातार ये इन लोगों को थ्री व्हीलर चलाना पड़ रहा है, जो 10 रुपये सवारी थी अब उसे 20 रुपये कर दिया गया है क्योंकि डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो कोरियर आप पहले 20 रुपये में करते थे वो अब 40 रुपये में हो चुका है क्योंकि डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो सब्जियां पहले आप सस्ती खरीदते थे वो अब महंगी होती जा रही हैं क्योंकि अब डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और डीजल के ऊपर इस देश की अर्थव्यवस्था है और इस देश की अर्थव्यवस्था की लुटिया इस तरीके से डुबोई जा रही है लगातार तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसी को लेकर। आप देख रहे हैं आईबीएन 24 की खास पेशकश डीजल और पेट्रोल के दामों के ऊपर, जहां इस देश में आज डीजल के दाम ने 1947 से अभी तक जो रिकॉर्ड नहीं बना था वो रिकॉर्ड बन गया है। 1947 से 2020 के बीच में आज पहला दिन है जब दिल्ली के अंदर डीजल के दाम पेट्रोल के दामों को ना केवल क्रॉस कर गए हैं बल्कि आज डीजल पूरे देश के अंदर इतना महंगा हो गया। लोगों को पहले लगता था कि डीजल की गाड़ी ले लीजिए सस्ती है, लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल की तरफ यानी कि मुड़ना उनकी मजबूरी है, लेकिन पेट्रोल भी कोई सस्ता नहीं है, उसके आसपास ही पहुंच गया। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल कूल, 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एम्स्टर्ड का डॉक्टर एसी वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड, जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित PM2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एम्स्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।